कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की थी, जिसमें सभी मंत्री और सभी प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे वर्चुअल, और हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम हर जिले की अपनी स्वयं एक प्लानिंग रिपोर्ट कोविड को लेकर बनाएंगे। जिला कलेक्टर को उसके लिए अधिकृत किया गया है और उसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अस्पतालों में कितने बिस्तरों की हम व्यवस्था कर सकते हैं ये सुनिश्चित किया जाएगा। हमने सभी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में और जिला अस्पतालों में और उससे नीचे हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें भी कोरोना को लेकर पूरी तैयारी की है। पर उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया गया है कि हम अब प्राइवेट सेक्टर में जो अस्पताल विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं उनके साथ भी पूरी तरह से समन्वय और कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे। जिला लेवल पर प्रत्येक प्राइवेट अस्पताल से वहाँ का प्रशासकीय अमला बात कर किस ढंग से उन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी हम कर सकते हैं, और जो जो अस्पताल बिस्तरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं उनमें ऑक्सीजन, उनका मैन पावर, हेल्थ वर्कर, दवाई, इस सब की व्यवस्था भी सुचारू करे, इसके लिए उनसे बातचीत की जाएगी। हर जिले की हम एक प्लानिंग रिपोर्ट बनाएंगे। हम लगातार वैक्सीनेशन पर तो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे लिए ये सुखद विषय है कि ओमिक्रॉन हमारे यहाँ नहीं आया है, परंतु ये बात सही है कि दुनिया भर में जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के कारण पुनः कोरोना की स्थिति बहुत भयावह हो रही है। 93,000 केस थे, अमेरिका भी इसमें बहुत तेजी से चपेट में आया है, साउथ अफ्रीका में भी इसमें हाहाकार मचाया है, देश में भी हम देख रहे हैं धीरे गति से परंतु केसेस की संख्या बढ़ रही है। हमारे यहाँ कल केवल 21 केस थे, परंतु कल हमारे यहाँ 15 केस थे। लगभग 60,000 लोगों का हमने टेस्ट किया। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 182 एक्टिव केस हैं, परंतु हम ये देख रहे हैं कि लगातार हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस की संख्या में 2-3 का ही बढ़ोतरी हो रही है, पर बढ़ते हुए क्रम में हम ये आंकड़ा देख रहे हैं। इसलिए हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ना आए, और उसके लिए हम ने समुचित व्यवस्था की है। हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान जरूर रखना चाहिए।